शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। गाजियाबाद में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए जिले के दो नए थानों की सौगात मिली है। एक थाना देहात क्षेत्र में वेब सिटी थाने के रूप में बनकर तैयार किया गया है, तो वहीं गाजियाबाद के सिटी क्षेत्र में क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने का भी उद्घाटन किया गया है। कुल मिलाकर बात करें तो गाजियाबाद में अब 22 थाने हो गए हैं, जबकि 3 नए थाने अभी भी प्रस्तावित है जिनका बनना भी बाकी है। वहीं दोनों ही थानों का उद्घाटन और निरीक्षण एडीजी राजीव सभरवाल आईजी प्रवीण कुमार ने किया है। जीरो टॉलरेंस की जो शासन की पॉलिसी है उसके तहत कार्रवाई कर सके और हम लोग इस पूरे क्षेत्र को बीपीपी मॉडल पर यहाँ पर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको और इंटीग्रेट करेंगे और एक सेफ सिटी और बेहतर सेफ सिटी के रूप से इसको बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सर, वेब सिटी भी एक नया थाना बनाया जा रहा है और क्या और भी थाने बनाए जाएंगे? बिल्कुल, जनसंख्या के हिसाब से हम लोग क्षेत्र के मतलब के हिसाब से लगातार पुलिसिंग को उच्चीकृत करके उसे मॉडर्न करके इस प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे जिससे अपराधियों पर नियंत्रण होगी। जो अच्छे लोग हैं जो विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उनको हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे। सर, अतिरिक्त पुलिस बल भी उपलब्ध कराया जाएगा? बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर भी इसे फोर्टिफाई करेंगे। न सिर्फ अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराएंगे बल्कि इसमें विशेष पुलिस अधिकारी और जो हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनका भी सहयोग लेंगे। सिविल डिफेंस के लोगों को भी इसमें एक्टिवेट किया जाएगा। अभी कितनी चौकी हैं स्थानीय के अंदर? इसमें लगातार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार चौकियों की हम लोग वृद्धि भी कर सकते हैं, वो हम लोगों के स्थानीय स्तर पर है। अभी हम लोगों ने लोगों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया है, अभी इसमें एक बेहतर कंट्रोल रूम के माध्यम से हम सारी आवश्यकताओं को देखेंगे, लोगों से बेहतर संवाद करेंगे जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, जो RWAs हैं, प्लस जो और अदर इश्यूज हैं उनको भी लोग देखेंगे ताकि बेहतर सुरक्षित माहौल में अच्छे विकास पर। हाँ सर, मैं पवन भैया, राष्ट्रीय। वही खबर आगरा जिले से है जहां पर न्यू आगरा पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट का मामला सामने आया है और इस दौरान जमकर हंगामा किया गया। वही मौके पर पहुंचे सीओ हरिपर्वत मयंक तिवारी ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। हाँ सर, मैं पवन भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा समर्थक हूँ। मेरी माननीय सीओ क्षेत्रीय सीओ श्रीमान मयंक तिवारी से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया जल्दी कार्रवाई की जाएगी और मुझे पुलिस प्रशासन पर शीघ्र नेतृत्व में पूरा भरोसा है, वो कार्रवाई करेंगे, जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे सिपाही हो चाहे दरोगा चाहे इंस्पेक्टर। हाँ सर, मैं पवन भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा समर्थक हूँ। मेरी माननीय सीओ क्षेत्रीय सीओ श्रीमान मयंक तिवारी से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया जल्दी कार्रवाई की जाएगी और मुझे पुलिस प्रशासन पर शीघ्र नेतृत्व। वही खबर मुजफ्फरपुर से है जहां पर कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में नीलाभ कुमार ने वीआईपी पार्टी की ओर से नामांकन पर्चा दाखिल किया है। मौके पर काफी संख्या में समर्थकों की भीड़ जमा रही। वही वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने जीत का दावा किया है। वही नामांकन में आए समर्थकों के बीच काफी उत्साह भी नजर आया। दोनों जातियों का वोट मिलने से निश्चित ही बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। दोनों पार्टियों में चिंतन हो जाए तो मुद्दा क्या होगा सर, होता है मुद्दों को लेकर काफी आनंद निकलता है। बात यही है कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम खुद एक गरीब मछुआरा का बेटा है, हमें पता है कि जनता को गरीब को क्या चाहिए, उनके लिए रोड का व्यवस्था करके देना है, उनके हम सुख सुख में खड़ा होना है, पानी का हमेशा लगे रहेंगे वहाँ पे काम करने का युवा है, गरीब को भी भविष्य आने वाले समय में काम करना है, काम करना है। सीट मेरा था, हमारे प्रत्याशी वहाँ पे जो जीते थे वो मुसाफिर माता उनका ध्यान हुआ, वहाँ पे हमें लड़ना था, वो जबरदस्ती वहाँ पे दादा की बेटी है वहाँ पे आए और कुछ वोट को काट के और हमको हरा दिया, तो हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। हमारे पास तो मौका था कि 400 हम जीते, हम दूसरे को जाते सरकार बना देते, खुद डिप्टी सीएम बन जाते, सब विधायक को मंत्री बना देते, हम भी गलत कर सकते थे, लेकिन हमने बिहार के में हमने जनता पे भरोसा किया कि जनता ने हमें एनडीए को चुना था, हम एनडीए के साथ रहे, हमने गलत किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया कि हमारे विधायक को खरीद लिया, क्योंकि उनको जनता पे भरोसा नहीं है, उनको मालूम है जनता तो वोट देता नहीं है, हमसे अच्छा चलो विधायक को खरीद लेते क्योंकि वो भ्रष्टाचार करता, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना उनके साथ है। खबर मुजफ्फरपुर से है जहां पर कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार अनिल सिंह कुशवाहा ने अपना नामांकन पर्चा भरने के बाद अपनी मूछ पर ताव फेरा है और इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ भी नजर आई है। बोलेंगे हम अस्पष्ट बोलेंगे और सत्य बोलेंगे, आप झूठ बोलते हैं टाइट में, और झूठ जो बोलते हैं उसको मैं नसीहत देना चाहता हूँ कि अब चेत जाओ,
ताकि बात बोलेंगे खर्रा और गोली चले या छर्रा, जो भी पूछना है भाई सब आप लोग पूछते रहिए। हम 50 घंटा बोलने के लिए अब तैयार है, ताकि हमारे जो भी है हमारे बंधु पत्रकार लोग जानते हैं कि यहाँ लोग भाई क्या है। आप लोग का कृपा, समाज हमें जानता है, इसके लिए हम चुनाव के मैदान। चुनाव में धन बल और दल बल से कैसे निपटिए? देखिए धन बल को जनता बदला देगा, नंबर एक बात। और जन बल है हमारे साथ, धन बल बना के जनता खा जाएगा और तक चुना के ढोरू में फेंक दे। और पूछिए हमारे पास क्या होगा, तो क्या मुद्दा रहेगा? देखिए मुद्दा हमारा वहाँ तक खाली मुद्दे है, खाली मुद्दे है। कैगो मुद्दा बोला, इतना मुद्दा है कुढ़नी में कि जितना लोग जीतते गया है खाली अपने ढकरते गया है, खाते गया, सब जनता को चुसते गया है। न रोड ठीक है, न नाला ठीक है, न अस्पताल के ठीक है स्थिति जी, नहीं हम रहने वाले है नहीं। हम सिर्फ जनता हमारा मालिक है, नेता हमारे सामने कोई पूरा हम हमारे मैं जो काम करूंगा, 2 साल चुनाव 25 में फिर से चुनाव होगा, और इस बार जो हम खेल करने जा रहे हैं हुड़दंग होगा, और जनता हमें चुन के जिताती है तो हम पूरा से पूरा काम करेंगे। और वह जो हम एक बार जिता देगी तो हम मैं अंदाज करता हूँ धरती पर जब तक मैं जिंदा रहूंगा। वही खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर मुजफ्फरपुर में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। बता दें कि उपचुनाव को लेकर कुर्नी विधानसभा से भारतीय पार्टी की ओर से अमन कुमार उर्फ संजय यादव ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। मेरा नाम अमन कुमार उर्फ संजय यादव है, कुर्नी के समता पार्टी के उम्मीदवार हैं हम, और यहाँ का युवा जो है बेरोजगार उसको रोजगार देने का काम करेंगे, काफी वहाँ पे हर एक वार्ड बाई वार्ड जॉब देने का काम करेंगे। जो मतलब कि स्वास्थ्य काम नहीं हो रहा है, सदर का स्थिति खराब है, जो वहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र जो भी है उपकेंद्र उसका हालत बहुत खराब, उसको दूर करेंगे। हम लोग 90 से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कब तक किसी पार्टी का झंडा ढोएंगे? हम अपना समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस जी का पार्टी है, इससे पहले मतलब जॉर्ज जी जो काम किए उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुरानी में चुनाव की सरगर्मी जोरों शोरों पर है, इस बीच में आप कहां पा रहे हैं? हम 50,000 वोट जीत रहे हैं, हम जो है लीड कर रहे हैं वहां से। वहां जो आप लोग दिखा रहे हैं मीडिया वाले, बहुत सारे मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि फल्ला पार्टी आगे है, चिल्ला पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई में हम है, जीतेंगे। कितना कुछ समर्थन मिल रहा है जनता का? पूरे वही खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक के एक बुजुर्ग पेंशनधारी युवती का विगत 35 महीने से बैंक मैनेजर के द्वारा बिना कारण बताया अचानक पेंशन बंद कर दिया गया है, जिसके बाद महिला ने पेंशन भुगतान करने के लिए जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण ने कोषागार पदाधिकारी को पत्रांक 351 एवं समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी ने अपने पत्रांक में पीड़ित के शेष पेंशन राशि को सुचारू करने का आदेश दिया था, जिसके बावजूद अभी तक पेंशन नहीं चालू की गई। वही पीड़ित पब उपभोक्ता फोरम में जाकर दोषी बैंक कर्मियों और संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात की है। हमारा के कोनो गलती ना बतौलक लोग, ए बड़ा हम गैनी बैंक में तो कहतलन जे बड़ा पेंशन ना मिली। अच्छा, हाँ ना मिली से बोलू बैठ समझा दे, हम जब कथी समझा देव हमारा के हमारे पैसा दे जे हम बड़ा भूखे मरतनी, हमारा लावा देह पर लाता कपड़ा बीनू, हम दवा दारू बीनू, हम खैला बीनू, हम मरतनी, हमारा कोई देखनिहार नहीं के, हमारा कोई पूछनिहार नहीं के। फिर मैं वाला गोइनी फिर कह जे ना पैसा दे, जब जाए तब कह जे पैसा ना दे, जब तू कोर्ट से पूछ जो तो हम ककरा के भेजम कोर्ट में जाए के, बेटा लो कोई हमारा से लगे बड़ा सहारा नहीं के, अपन बाल बच्चा लेके जहाँ के तहाँ कह के हमारा के बड़ा कुछ भी नहीं के लोगों ना, हम हमारा कौन सहारा लेकर, हमारा वह एगो सहारा सरकार दिल रहा, वो सरकार हमारे बैंक में हमारा हमारे के बैंक कर दिलक लो मैनेजर लो, हमारा के नहीं खन दे, काहे नहीं खन दे, हमारा के ना गलती बतौले ना हमारा के पेंशन दिले, अरे हमारा हमारा के मुँह में ना जिले हे ठंडा में हम हमारा सब बिनू हम मरतानी, सब बिनू हम हमारा जुड़वतानी, हमारा कोई पूछनिहार नहीं के, हमारे रास्ता कैसे हुई कैसे सरकार करिए। अच्छा कुछ दिन रुआ पेंशन मिलल नो? हाँ हमारा कुछ मिल। काहे आगे चल के बंद कर दिलक लो? वो बैंक में गई नहीं,
बैंक में गोइनी तक बहुत अखन जे बोलू ए वाला पेंशन ना दी। वही खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर महंत दर्शनदास महिला महाविद्यालय में महिला कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न कॉलेज से आई छात्रा ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। और इसी क्रम में महंत दर्शनदास महिला महाविद्यालय मुजफ्फरपुर और एमएसकेबी मुजफ्फरपुर से आई इंटर कॉलेज स्तरीय छात्राओं के बीच सेमीफाइनल मुकाबला भी यहाँ पर खेला गया है। वही खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के परिचर्चा आयोजन में जिला पदाधिकारी ने कहा है कि मीडिया समाज को गतिशील और बेहतर बनाने में मीडिया की सकारात्मक भूमिका प्रारंभ से ही रही। जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा आयोजित प्रेस दिवस पर परिचर्चा सह संगोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम डीसीसी डीपीआरओ एसडीओ पूर्वी पश्चिम जिला लेखा पदाधिकारी और वरीय पत्रकार बंधु द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जान से मारने की नीयत से आए पांच अपराधियों ने जिले के बोझा प्रखंड के मैदापुर पंचायत के पीडीएस संचालक पर हमला किया है। चोर लगभग 15,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गए और ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वहीं युवक की हालत देख परिजनों ने उन्हें देर रात पीएचसी में भर्ती कराया है, जहाँ पर उनकी हालत गंभीर देख उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मैदापुर पंचायत की पी डी एस रहता है, मेरे बाबू जी के नाम से लाइसेंस है। अभी जो है सो नेट की वजह से लिंक की वजह से दिन में लिंक नहीं आने की वजह से शाम को पर्ची काटा जाता है। तो हम अपने इलाके में कवर करके पर्ची काट रहे थे, एकाएक तीन चार तो अपराधी आया पांच आदमी से और हाथ में रॉड ले ले था। संजय सहनी था एक, परशुराम सिंह थे जो कि हुसैनपुर के हैं, रॉड से मार दिए बैठे हुए थे, जिसका फुटेज भी सी सी टी वी है। बस खून निकल निकल गया, उस पर हमला चिल्ला किए, ग्रामीण लोग आए थाना प्रभारी को सूचना किए, थाना का आदमी आया दीपसी आया, उसको ले गया उठा करके। अभी सुबह में हम जा करके एफ आई आर किए हैं, अपना प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं, आवेदन दिए हैं। देखिए रात को हम फिर ट्रीटमेंट करवाए अपना नाक का बोचा पी एम सी एच में, एस के पी एम सी एच में, वहाँ से चोट की वजह से हमको एस के एम सी एच रेफर किया गया। रात को हम 1 बजे में आए सब करवा, लेकिन अभी तक मालूम चला है कि उन लोगों को जेल नहीं भेजा गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया थाना प्रभारी पर। हुसैनपुर के हैं, बैनाथ सिंह के लड़का हैं, वो लोग अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, बहुत ज़्यादा दारू वारू पिए हुए था, बराबर आता रहता था, बोलता था रंगदारी तो 20,000 रुपया मांगे हुए था, 2 महीना पहले भी आया था 20,000 रुपया मांगा था। बस हम तो बैठे हुए थे, देखे दो आदमी उधर से आया, एक वो संजय सहनी था और एक परशुराम सिंह, वो आया दोनों और रोड से प्रहार कर दिया। हम रोकने की कोशिश किया तो हमको पकड़ हाँ चला। कितने 3-4 आदमी था उधर में खड़ा और 2 आदमी यहाँ आया था। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीते 4 तारीख को महिला के ऊपर कुछ अपराधियों ने जानलेवा हमला किया, इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पूरे मामले की तहरीर पीड़ित युवती ने कुंडली थाने में दी। पीड़ित महिला को जलील कर थाने से बाहर कर दिया गया। पीड़ित ने हमला करने वाले अपराधियों को थाने के सहायक निरीक्षक के द्वारा संरक्षण दिए जाने की बात कही है और ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के कुंडली थाना क्षेत्र का है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।